गुड मॉर्निंग बुल्लू, हाउ आर यू? मैं तो बढ़िया सर। आपका पेट का दर्द कैसा है सर? अब देखो बिल्कुल ठीक है मेरा पेट तो। मैं चौटाले ने हमारे लिए दवाई भेजी थी ना, उससे हमारा पेट दर्द बिल्कुल चला गया। वैसे एक बात बताए बिल्लू, हमें ना मिस चौटाला बड़ी सुशील, बड़ी केयरिंग टाइप की हो, लेकिन वो हमारे गुरु जी ना, वो हमसे कहते कि लड़कियों से दूर रहो, तो हम अपनी दिल की बात उनसे कह नहीं पाते यार। हम बड़े अपसेट रहते हैं सब मामले को लेकर। गुरु जी से सर मुझे कुछ याद आ रहा है, मैडम ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। मान ली गिफ्ट भेजा? ओए माँ। वेल ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मम्मी जी ने इसे पकड़ा रंगे हाथ, हुन दसो जी। रंगे हाथ गुरु जी, ये सब क्या है? वेल ये कर रहा था सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक इज द, मुझे अच्छा लगता है पाइनएप्पल कैक इज द। अबे अच्छा हुआ मिस चौड़ाला ने हमारी आंखें खोल दी और हमें इस अंधविश्वास से बचा दिया। गुरुजी आइए अंदर आइए, हम आपको गुरु दक्षिणा देते हैं। आइए आइए, नहीं नहीं आई इंसिस्ट, आइए ना 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 बोलिए, ना ना बोलिए, आइए आइए। आइए आइए सेठानी जी, आइए बाहर आइए, आइए 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 आइए। ये क्या सेठानी जी, अरे आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ये वाले हीरे कहाँ है ना, तुम ये पहन के घर के बाहर मत निकला करो। मैं क्यों ना निकलूं? अरे सेठानी हूँ मैं ना, मेरे पास अगर ये हीरे का हार है तो मैं क्यों ना पहन के निकलूं ना, मैं ये दुनिया को ना दिखाऊं कि हीरे का हार पूरे 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का। अरे यार तुम लोग, ये लेडीज की है ना एटीट्यूड ही बहुत खराब होती है। अरे कितनी बार कहा कि ये मत पहन के निकला करो, अगर ये पहन के निकली और कोई खींच गया तो। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। खींच गया, घोड़ा डोंकी है। अरे वो चोर है। अरे पकड़ो पकड़ो। अरे ए चोर। FIR चौकी के पीछे खाली जमीन है, वहां जाके खूब अपनी प्रैक्टिस करो नाच की, और उसके बाद पुलिस की नौकरी तुम्हारे बस की है ना, तुम्हारे डैडी के भी बस की। लोगों की जो है प्राइवेट महफिलों में नाचो और शादियों में नाचो दूसरों की, जाओ। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। मैडम वो तो कोई काम नहीं था चौकी में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो नाच लें। हाँ क्यों नहीं, वरना तो वैसे जैसे मैं कभी आती हूँ तो तू खूब जो है चौकी का जैकी चैन हो रहा है ना, सुपर कॉप लग रहा है यहाँ, बिजी रहे एकदम फाइलों में डूबा हुआ। और तू, अबे तू क्यों यहाँ बन रहा सेनोरीटा? मैडम वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो कोई दुर्घटना घट ना जाए इसलिए मैं नाच रहा था। खुल के बोल ले। मैडम वो असल में बात ये है ना कि मेरा एक दोस्त है सच्ची का, उसकी कुछ दिनों पहले शादी टूट गई क्योंकि उसको नाचना नहीं आता था, तो लड़की ने उसको थप्पड़ मार के रिजेक्ट कर दिया, तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए ना, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी से, क्योंकि आपको तो पता है मेरी तो कोई शादी नहीं है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अब तक। मैडम मैडम मैडम। अरे बिजी है मैडम यार। वेल डूड हु द यू द आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द।
मैडम मैं दीवाना हूँ। ओ, ओ किसका भाई, अड़ोसन का या पड़ोसन का? अच्छा ना, इनमें इतनी हिम्मत कि मेरे रहते हुए किसी और के दीवाने हो जाएं? अरे खोल ना, खींच दूंगी मैं इनकी। बिल्ली ब्यूटी पार्लर में है। Who is बिल्ली and who are you? मैडम मैं हो रही हूँ परी, इनकी सेठानी। और मैडम मैं हूँ इसका सेठ, सेठ दीवाना दिल्ली से। हे hey! किस चीज के सेठ हो रहे हो तुम? मैंने वो हीरा जवाहरात और सोना चांदी की दुकान है मेरी, उसका मैं काम करता हूँ। हाँ हे वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? मैं बताता हूँ दादाजी आपको। एक्चुअली मैडम बात यह है कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अमेरिका से अहमदाबाद हो गया। हे घोड़ा डोंकी है। ओह देखो यार, जो भी बात है दिन है कि रात है, खुल के बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो। पर ना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का धनिया गुस्से की मिर्च के साथ मिल गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की डायनासोर की सौतेली भांजी, मेरा मतलब है लेडी मगरमच्छ की सगी सहेली, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार, तुम बोलो ना। हाँ हाँ मैं बोलता हूँ। एक्चुअली मैडम बात यह है कि मैं और मेरी धर्मपत्नी यानी कि सेठ और सेठानी रस्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे। तो मैडम रात का वक्त था, अंधेरा बड़ा सख्त था और हम दोनों शादी में जा रहे थे। अरे शादी शादी का नाम क्यों ले रहे हो आप मेरे सामने? आपको मालूम है क्या, ऐसे ही कुछ भी कहीं भी वो बोल दिया बस। आप मैं आप तो वो कर रहे हो कि मतलब कि कोई भूखा खड़ा है उसके सामने छप्पन भोग का नाम ले दिया। मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी हुई नहीं है, मेरे सामने शादी का नाम मत लो, मेरा खून सूख जाता है रगों का। बिल्कुल निकल जाए, खड़ा रहे चुपचाप। अरे तुम तो छुपी रहो, मैं बताती हूँ। मैडम जी बात ये है कि मैंने अपने गले में हीरे का हार पहना था, उसमें पूरे 1 करोड़ का हीरा जड़ा था। बिल्ली ब्यूटी पार्लर में है मैडम जी ना। फिर हुआ ये कि हम लोग गाड़ी में से बाहर निकले, तभी एक मुस्टंडा दौड़ता हुआ आया और मेरे गले से हार छीन के ले गया। बिल्ली ब्यूटी पार्लर में है। क्यों घटना रात को घटी तो दिन में क्यों आए हो? अब क्यों आए हो लेट इतना एफआईआर लिखाने? Yes! कारण है ना उसका मैडम, क्या है कि सदमे की वजह से मैं बेहोश हो गया था रात को, तो अभी सुबह उठा और फ्रेश होके नहा धो के चाय पानी नाश्ता करके यहाँ पे आ गए आपको एफआईआर लिखवाने के लिए। इसलिए मैडम बात यह है कि प्लीज आप वो चोर को पकड़िए और वो हीरा जो है ना वो हासिल कीजिए, क्योंकि वो हीरा जो है ना वो 1 करोड़ का हीरा है मैडम, 1 करोड़ का हीरा है। घोड़ा डोंकी है? नो ज़ेब्रा। गोपी या एफआईआर लिख इनकी। ओके अरे आलू ले लो, टमाटर ले लो, ताजे ताजे, गोभी मन चली है, भिंडी नाजों से पली है। अरे अरे हवलदार साहब नमस्ते, आप सुबह सुबह फिर से आ धमके? मेरा मतलब आज सुबह सुबह आ गए, गोभी मनचली है, भिंडी नाजों से पली है। तो सुबह सुबह आ गए उससे कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं। देखो यार तुम ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम चंद्रमुखी चौटाला के खास हम खास चमचे मुलायम सिंह गुलगुले से बात कर रहे हो, समझे? अरे साहब हमको पता है आप नाराज काहे हो रहे हैं, गोभी मनचली है, भिंडी नाजों से पली है, बताइए साहब आपको क्या देने में, बताइए। एक काम करो, जरा 4 किलो टमाटर दे दो, 3 किलो गोभी दे दो, लौकी 4 किलो दे दो, और ये बाकी सारी जो चीजें हैं ना ये सब 2-2 किलो दे दो। अरे साहब इतनी सारी सब्जियां? क्या है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं मैडम का खास हूँ, तो मैडम मेरे बिना ना कोई केस सॉल्व करती है ना कोई एफआईआर लिखती है, तो मैं इतना बिजी हो जाता हूँ ना मैडम के साथ कि टाइम ही नहीं मिलता कि मैं रोज रोज आके सब्जी लूं, इसलिए सोच रहा हूँ इकट्ठी सारी ले लेता हूँ। अच्छा सब एक बात बताइए, मैडम के घर में का मंडप गड़ा है या रिश्तेदार आए, मतलब इतनी सारी सब्जियां? देखो मुझे क्या लगता है ना कि तुम्हारा ये सब्जी का जो ठेला है ना इसके दिन भर गए हैं,
क्योंकि तुम मुझसे कानून के पहरेदार मुलायम सिंह गुलगुले से कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो आजकल। नहीं नहीं साहब, हम तो तुम तो अब गए। अभी जाके मैडम से शिकायत करता हूँ कि तुम मैडम को सब्जियां देने में आनाकानी कर रहे हो। अरे अरे कहाँ जा, अरे नहीं 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 साहब, अरे हम कहाँ आनाकानी कर रहे हैं, अरे हम तो अभी अभी दो दो मिनट में तौल देते हैं सब्जी। अरे तौले का ये भरी देते हैं सीधी। इधर दो ये लो सर, गोभी मंचली है, भिंडी नाजों से पली है। लो चलो ठीक है यार, तुम भी क्या याद करोगे, हमने तुमको माफ किया। वैसे ये बताओ, यहाँ पर वो फल का एक ठेला होता है, वो क्या है, फल वाला आया नहीं अब तक? हैं? फल वाला? फल वाला साहब बहुत समझदार है, शाम को आएगा, वो धूप लगती है उसको दोपहरिया में, तो आया नहीं है साहब। ये लो फूल हो गया। चलो तो कोई बात नहीं, अब हम भी शाम को आएंगे। अब शाम को कहाँ आएंगे, कुछ बचा ही नहीं अभी, अब कल ही है आना। आप फल लेने आएंगे ना यार, तुम चिंता मत करो यार, तुम सब्जियां मैडम को खिलाते हो, चंद्रमुखी चौटाला को, बिल्कुल टेंशन मत लो। कोई भी प्रॉब्लम हुई ना मुझे कह देना, हम आ जाएंगे, ठीक है? अब शाम को क्या करने आएंगे, पूरा ठेला खाली करा गए, अब इस पर बैठ के हम नाचें? और इनकी मैडम तो सबसे बड़ी मुफ्तखोर है, भेज देती है इस मोटे को बार बार सब्जियां लाने, एक डलिया टमाटर छोड़ा बस। सर सुना आपने इसने मैडम के बारे में क्या कहा, इसको तुम बिल्कुल कंट्रोल करो बे। मिस चौटाला के बारे में तो हम भी उल्टा सीधा सुन नहीं सकते, ये। लेकिन इस सब्जी वाला बेचारा जो कह रहा है, क्यों कह रहा है पता है? क्योंकि इसे लगता है कि गुलगुले जो सब्जी उठा रहा है वो मिस चौटाला के कहने पर उठा रहा है। लेकिन सर आप तो मैडम को जानते हैं ना कि मैडम कैसी हैं? हम जानते हैं लू, लेकिन मिस चौटाला नहीं जानती कि गुलगुले कैसा है। एक काम करो, तुम जाके चौकी में जाओ, मिस चौटाला को बताओ कि ये सब क्या कर रहा है उनके पीछे है? और हम जाते कमिश्नर साहब से जरा हाई लेवल की मीटिंग करके आते हैं, ओके? सर वहाँ तक छोड़ दो ना, चौराहे तक। नहीं बेटे, तू एक काम कर, उतर जाना बे, क्योंकि जिस पोजीशन में तू बैठा है ना, हम जरा पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वहाँ तक छोड़ दो ना प्लीज। नहीं बेटा नहीं, जरा भी नहीं, उतर जा बेटा। बाबूजी ये जो मटका रहल ये बहुत मजबूत रहल, इसको सर पे मारे से सर फूट जाए, लेकिन मटका ना फूटे। मार के दिखाओ कितना दू बोलो। कितने में दिया साहब ये? 300। 300 में? 300 में तो मैं सारी दुकान खरीद लूंगा। अच्छा दुकान खरीदेंगे? अरे चल सुबह सुबह आ गया। अरे लल्लू अबे कल्लू, अरे वो चोर यहीं कहीं छुपा है, 3 से 6 नौ हाउसफुल है। हाँ लेकिन आज ना तो वो बच पाएगा और ना वो 1 करोड़ का हीरा, 9 से 12 खा लिया। अरे बाबा वो यहीं कहीं छुपा होगा, चलो ढूंढते हैं उसको। यो क्या कह रहा है तू? वही कह रहा हूँ मैडम, मैं वही बात कह रहा हूँ जिस बात को कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है मैडम। नहीं नहीं जरूर थारे से सुनने में गलती हुई है मैडम। काश 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 ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता कि मुझसे सुनने में गलती हो जाती, मेरे कान के पर्दे फट गए होते ये सब सुनने से पहले। लेकिन मैडम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मेरे कान के पर्दे फटे और ना ही सर के कान के पर्दे फटे, हम दोनों ने अपने कानों से ये बात सुनी है। और आपको तो पता ही है मैडम कि सर के कान टॉमी से भी तेज है। Well, गुलगुले कैसे कर सकता है इतना गिरा हुआ काम, इसदा मम्मी जी के नाम पे ले रहा है सारा सामान इसदा। ये तो कुछ भी नहीं है भैया, मिठाई से लेके फल तक, दूध से लेके राशन तक, सब कुछ गुलगुले जी मैडम के नाम पे बाजार से ले रहे हैं, वो भी एकदम फ्री मुफ्त ऐसे ही उठा के बिल्कुल। और मैडम लोगों को तो यही लग रहा है ना कि आप मुफ्त खो रहे। गुलगुले मारे भरोसे का आदमी है, बहुत यकीन है मन्ने उस पे। और मैडम इसी यकीन का वो फायदा उठा रहे हैं। मैडम आप बताइए, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? आपको सर की बात पे यकीन नहीं है? नहीं। मैडम आपको हमारी आंखों पे यकीन नहीं है, हमारे कानों पे यकीन नहीं है, और अगर आपको यकीन है तो सिर्फ गुलगुले जी पर। करेक्ट। तो ठीक है मैडम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक्सक्यूज मी भैया, आप कोशिश मत कीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे। ओके मैडम आप चलिए मेरे साथ, अभी चलिए
और चलकर देख लीजिए मैडम कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, मैं कितना सच कह रहा हूं या फिर। ठीक है, मैं चलती हूं थारे साथ, और अगर तो थारी बात गलत निकली तो थारी कोई फोटो है? हाँ है ना मैडम, शादी के लिए मैंने खिंचवाई थी, लेकिन अभी तक तो कुछ खास काम आई नहीं मैडम। काम आएगी ना, आप मेरी शादी करवाएंगे? दीवार पे लगेगी थारी फोटो, जिस पे रोज गोपी हार चढ़ाएगा। कैरी ऑन। अरे आइए आइए मैडम आइए, गोभी मन चली भिंडी नाजों से पली है। भरता बैंगन। बैंगन में क्या हुआ, कीड़ा निकला क्या? अब मैडम देखिए घर जाके कीड़ा निकला तो अब हम क्या कर सकते हैं? हाय मैंने कही है थारे से कि बैंगन में कीड़ा निकला कि डायनासोर निकली आया। नहीं नहीं मैडम आपने नहीं कहा, वो बैंगन की बात की तो हमें लगा कुछ घर पे जाके। खैर वो सब छोड़िए मैडम, आप कैसे आ गए ये बता दो। बैंगन कितने में दिए? मुफ्त में दिए ये तो। क्या मुफ्त में दिए? क्यों भाई, मैं थारे बापू की बारात में आई हूँ, फूफा के गोने में आई हूँ कि फ्री में बांट रहा माल अपना बनने? नहीं नहीं अबे कितने में दिए बता ले। मैडम वैसे तो 40 रुपया किलो दिए हैं, लेकिन मैडम अभी 5 किलो बैगन मतलब इतनी जल्दी खत्म हो गए? अबे कौन से 5 किलो बैगन, हु इज 5 किलो यार? एक मिनट, फर्स्ट टाइम आई हूँ तुम्हारी दुकान में, पागलों वाली बात कर रहा हमारे से? यो फिर लोग कहते हैं कि रैपट मारती है, इनका नेचर खराब है, बैड नेचर हो रही है। नहीं 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 मैडम, आप तो पहली बार आई हैं, लेकिन हमारी दुकान से सब्जी आपके घर में पिछले 1 साल से जा रही है। वो भी मन चली है, भिंडी नाजों से पली है। What rubbish? What the युदा says the? कैसे हो सकता है ये is the? अरे दादाजी हो नहीं सकता, हो रहा है पिछले 1 साल से। और मैडम के घर पे ना सिर्फ सब्जी जा रही है 1 साल से, बल्कि वो केसरवानी की दुकान से राशन, छज्जू हलवाई की दुकान से मिठाई, और ब्रजनंदन की दुकान से तेल चटाई, सब के सब जा रहा है 1 साल से। कौन कर रहा है ये? कौन हमारे नाम से पूरी मार्केट लूटे ले रहा है? नाम क्या है उसका? नहीं 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 मैडम नाम नहीं बताऊंगा, अब हम गरीब आदमी हैं, हमको भी तो अपना धंधा पानी चलाना है। वो सब छोड़ो, नाम को रहने दो मैडम। नाम बोल उसका चुपचाप। बोलो डरो मत, बोल दो नाम ले लो तुम। आखिर कौन है वो गरीबों की मेहनत की कमाई का लुटेरा? कौन है वो जो मेहनत कश लोगों के बच्चों के हक को छीन के निकल जा रहा है? कौन है वो, बोलो उसका नाम तुम, ले दो यार, बोल दो तुम, बोलो। गुलगुले, गुलगुले जी। नहीं गुलगुले, गुलगुले मारे नाम से गुलगुले कर रहा है वो सब? जी जी मैडम। आज के बाद गुलगुले हो चाहे गुलगुले का बाप हो, कोई भी अगर हमारा नाम लेके यहाँ गरीबों ने लूटेगा या सामान खींचेगा, और अगर किसी ने या तेरे सामान दे दिया तो खाल खींच के उसमें पालक भर दूंगी मैं। नहीं 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 पालक महंगी है मैडम, मैं नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। देख लिया मैडम आपने, कितना विश्वास था आपको गुलगुले जी के ऊपर, लेकिन उसी विश्वास की उन्होंने सरेआम धज्जियां उड़ा दी। आज तक गुलगुले की हरकतों पर नादानी समझ के मैं पर्दा डालती रही, पर इस बार जो कानून की वर्दी का उसने अपमान करा है, ये वो वर्दी उसके शरीर पे ना रहेगी। ईब गुलगुले के लिए ना तुम्हारे दिल में जगह है ना हमारी चौकी में। तो क्या मैडम उनके यहाँ आते ही आप उन्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे? मैं नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करना होगा जिससे गुलगुले खुद नौकरी छोड़ के जाए। वैसे मैडम आप ऐसा क्या करने वाली हैं जिससे कि गुलगुले जी अपने आप ही ये नौकरी छोड़ देंगे? वैसे मैं एक बात बोलूं मैडम, आपको गुलगुले जी को माफ कर देना चाहिए। अच्छा किस खुशी में? नहीं मैडम खुशी की तो बात कोई है नहीं, लेकिन मैडम आप खुद ही सोच के देखिए कि जितनी चमचागिरी गुलगुले जी ने आपकी आज तक की है ना मैडम, उतनी चमचागिरी कोई और कर ही नहीं सकता मैडम, कर ही नहीं सकता मैडम। और फिर आखिर में गलती तो इंसान से ही होती है ना, और गुलगुले जी कोई गधे तो है नहीं, वो भी एक इंसान ही है ना मैडम, तो आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए मैडम। अगर गुलगुले को इस बार माफ कर दिया गया तो वो दोबारा गलती करेगा, और फिर गलतियां करता रहेगा और करता ही रहेगा जिंदगी भर।
मैं उसे ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाए। तुम लोग रेडी हो? या मॉम। गुड, लेट्स प्ले द गेम।